जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान RVL में। साथियों, आपको पता है कि अभी आपके री एग्ज़ाम की डेट नहीं आई। क्या री एग्ज़ाम की डेट नहीं आई है? हालांकि दोस्तों, जो सेंटर वगैरह थे उनको उनका चयन कर लिया गया है कि किस ज़िले में कितने सेंटर होंगे। ठीक है, ये चीज़ें बहुत पहले से पता चल रही हैं। ठीक है, अब देखिए, अचानक दोस्तों एक वायरल हुआ है नोटिस, जिसमें दोस्तों प्रशिक्षण के बारे में बताया गया, यानी जो ये 60,000 प्लस वैकेंसी है दोस्तों, इनका प्रशिक्षण की बात की गई कि इनकी प्रशिक्षण करवाना है। देखिए, इससे एक ही चीज़ पता चलती है कि दोस्तों, जैसे ही आपका री एग्ज़ाम होगा ना, री एग्ज़ाम होगा उसके तुरंत बाद, यानी कि ज़्यादा समय आपके ज्वाइनिंग में नहीं लेगा भर्ती बोर्ड। यह चीज़ तो आपको ही पता होगा, क्योंकि जिस हिसाब से इलेक्शन में इनको समझ में आया है सरकार को, ठीक है, वो अब दोबारा रिस्क नहीं लेना चाहती। और आपको बता दें कि दोस्तों, ये जो 60,000 प्लस वैकेंसी है ना, इससे दोस्तों कम से कम, आपको बता दें कि इसी 60,000 से ना कम से कम दोस्तों करोड़ों लोग जुड़े होंगे। ठीक, उनके माता पिता, भाई बहन, उनको भी दोस्तों खुशी मिलती है जब उनका, मान ले दोस्तों आप अपने परिवार में नौकरी पाएंगे ना, तो साथियों आपके माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, जो भी दोस्तों आपको दिल से मानते होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों वो फिर फेवर करते हैं, हाँ हमारा लड़का जो है इस गवर्नमेंट में, इसको जॉब मिली थी, हम इसी गवर्नमेंट को क्या देंगे, वोट देंगे। ज़्यादातर होता है, देखिए 100% तो नहीं कह सकते, मगर दोस्तों काफ़ी हद तक ये चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो साथियों आपके माता पिता, आपके भाई बहन सभी कहीं ना कहीं दोस्तों इससे प्रभावित होते हैं। अब पड़ोसी तो दोस्तों पड़ोसियों के हाल होगा, वो तो आप सब खुद ही डिसाइड करेंगे, बाद में उनकी बात हम करेंगे भी नहीं। ठीक है, तो साथियों ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले दोस्तों आपको बता दें, इसके जो PST होती है ना, दौड़ भाग, उसके लिए भी टेंडर जारी हुआ था दोस्तों, उसकी भी बातें चल रही थी। ठीक है, यानी कि बस आपके री एग्ज़ाम डेट आने की ज़रूरत है, उसके बाद दोस्तों सारी सारी प्रक्रिया इनकी चल रही है अंदर। ठीक है, कि इसके बाद जो होगा रेस करवाई जाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसकी भी चीज़ें इनके अंदर चल रही हैं। चलिए दिखा देते दोस्तों, ये देखिए लेटर आप देख सकते हैं, ठीक है, 30/6/2024 का। ठीक है, यहाँ पर क्या है, पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश, ठीक, अति आवश्यक समयबद्ध, मतलब समय के अंदर दोस्तों ये 28 जून का है, 28 जून 2024 का। ठीक है, देखिए कहाँ कहाँ पहुँच चुका है उसके बारे में। देखिए क्या है कि पुलिस मुख्यालय सिग्नेचर बिल्डिंग प्रथम तल, ठीक है, और ये दोस्तों ये आपको बता दें, ये पुलिस का मुख्यालय है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है कहाँ पर है, तो दोस्तों सिग्नेचर बिल्डिंग में। ठीक है, चलिए क्या है, समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद उत्तर प्रदेश, समस्त सेनानायक PAC वाहिनी उत्तर प्रदेश। क्या है ये देखिए, इसमें आप पढ़िएगा थोड़ा सा तो आपको समझ में आएगा। कृपया अवगत कराना है कि लगभग 60,000 आरक्षियों को भर्ती दो बार लिख दिया, पता नहीं दोस्तों ये फेक है कि रियल है, इसकी तो मैं पुष्टता नहीं करता, मगर मुझे लग रहा दोस्तों कहीं ना कहीं सही लग रहा। ठीक है, निकट भविष्य में होना संभावित है। ठीक है, निकट भविष्य मतलब बहुत जल्द होना संभावित है, और भर्ती होने के उपरांत शीघ्र ही उन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना होगा। उक्त रिक्रूट आरक्षियों के आधारभूत प्रशिक्षण हेतु बाह्य विषयों के प्रशिक्षण कार्य के लिए काफ़ी संख्या में, ये तो वह है ना, ITI एवं PTI की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बताई गई, इनको दोस्तों क्या होगा, ITI कोर्स एवं PTI कोर्स कराया जाना प्रस्तावित है। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में साथियों सारी चीज़ें बताई गई हैं। और ये कहा गया है कि अनुरोध है कि प्रत्येक कमिश्नरेट हो गया, जनपद हो गया, PSC वाहिनी से प्रशिक्षण कार्य के लिए ITI कोर्स हेतु 10 एवं PTI कोर्स हेतु 2, कुल दोस्तों 12 इच्छुक एवं आरक्षितों के नामांकन को निम्नलिखित अहर्त सेवाओं के आधार पर दोस्तों 5/7/2024 तक प्रत्येक दशा में इनको निदेशालय में दे देना। और इनके लिए दोस्तों जो ये दोस्तों जो 12 लोग होंगे उनकी दोस्तों सारी चीज़ें बताई गई हैं कि जो ITI कोर्स की अहर्ताएँ होंगी वो 1/7/2025 तक दोस्तों कम से कम 40 वर्ष से अधिक ना हों। ठीक है, ये सारी चीज़ें बताई गई, तो ये देखिए ये आपके हिसाब से नहीं है। तो हाँ दोस्तों एक चीज़ बता दें कि कहीं ना कहीं दोस्तों योगी सरकार दोस्तों इसके लिए बहुत ही अच्छे मन से दोस्तों अब काम करना शुरू कर दी है। तो देखिए मुझे जो प्रस्तावित लगता है दोस्तों कि ये पेपर जो आपका अगस्त में तो करवा ही लेना चाहिए इनको। ठीक है, जुलाई तो देखिए बच्चे जुलाई में कहते हैं, मगर मुझे तो नहीं लग रहा जुलाई तक होगा, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, मगर साथियों अगस्त में तो इनको करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, और देखिए इसी को लेकर के हम आपको बताएं, स्टैटिक जीके लगभग समाप्त करने वाले, लगभग दोस्तों लगभग हमारे 4 से 5 क्लासेस बची हैं। ठीक है, 4 से 5 क्लासेस बची। अब दोस्तों समय आ चुका है कि आपके लिए
देखिए सबसे बड़ा रोल होता है स्टैटिक जीके दोस्तों, 15 से 16 क्वेश्चन का, 15 से 18 क्वेश्चन का दोस्तों स्टैटिक जीके। तो मैं चाहता हूँ इस बार आपके हाथ से ये ना छूटे, क्या स्टैटिक जीके दोस्तों छूट के ना जाए। इसके लिए दोस्तों मैं बहुत ही शानदार तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ, आप लोग सोच रहे होंगे केवल आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरा पेपर ना होते हुए भी, ठीक है, मेरा पेपर ना होते हुए भी मैं इतनी ज़्यादा आप सभी के लिए दोस्तों तैयारी कर रहा हूँ कि अगर साथियों मैं भी पेपर बैठूँ तो एक अलग बात होती, ठीक है। मगर साथियों आपको पता है कि मैं खुद सेलेक्टेड हूँ जूनियर असिस्टेंट में, ठीक है, और आप सभी को देखिए शुभकामनाएं हैं कि जल्दी सेलेक्ट हो जाए दोस्तों, और कहीं ना कहीं जहाँ भी जाए दोस्तों एक बार हमारे चैनल का नाम जरूर लीजिएगा कि हाँ हमने वहाँ से पढ़ा था। लेंगे भी आप, मुझे उम्मीद है, क्योंकि आपको इतना अच्छा कंटेंट जो दे रहे हैं जब पेपर में फंसेगा। पिछली बार दोस्तों जो पेपर रद्द हुआ था उसमें आप अगर जुड़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। चलिए देखिए ये जो आपका स्टैटिक जीके वाला दोस्तों, एक चीज़ बता दें कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्ञान आरबीएल ऑफिशियल को, ठीक है। ये सारे टॉपिक दोस्तों इसमें लगभग 4-5 टॉपिक जो दोस्तों आपको पता है, जो आपको ये हाईलाइट नहीं दिख रहा होंगे, जैसे पुलिस एवं प्रशासन दोस्तों ये, और प्राकृतिक संसाधन और पुरस्कार देश राजधानी मुद्रा, ये बचे हैं। तो साथियों इनको मैं बहुत ही जल्द करवाता रहूँगा दोस्तों। एक चीज़ आपसे राय लेनी है कि दोस्तों क्या बहुत ही जल्द दोस्तों, अब देखिए मैं सोच रहा था कि 7 तक ये पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे, मगर मेरे दोस्तों मुझे लग रहा कि मुझे और जल्दी करनी चाहिए आप सभी के परीक्षा को देखते हुए। तो साथियों अगर आप सभी कहते हैं कि जल्दी करनी चाहिए दोस्तों, मैं कल एक वीडियो लेकर के आऊँगा प्रैक्टिस सेट को लेकर के, कि कैसे किया जाए और है ना, और मतलब कितने क्वेश्चन दिए जाए, ठीक है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूँ कि हर टॉपिक के दोस्तों अगर आप कहेंगे सर 200 क्वेश्चन करवाइए, देखिए 200 क्वेश्चन नहीं करना, ये व्यर्थ है, फालतू की चीज़ें हैं कि आप हर टॉपिक से 200 क्वेश्चन लाइए। यार देखो क्वेश्चन वो लेकर आओ ना जिनमें दम हो। अब एक ही चीज़ को मैं बार बार कैसे रिपीट करूँ, जैसे आपसे पूछ लेगा कि भैया जीएसटी राज्यसभा में कब पारित हुई, एक क्वेश्चन ये होगा, जीएसटी में मतलब लोकसभा में कब आई, एक क्वेश्चन हो गया, जीएसटी ने राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कब किया, ये क्वेश्चन हो गया। तो भैया इनको एक ही में अरेंज कर दो ना, 4-4 क्वेश्चन एक ही में कर दो ना, कि भैया निम्नलिखित में से जीएसटी संबंधित कौन सी चीज़ सत्य है, कि राज्यसभा में इस डेट को आया, लोकसभा में इस डेट को आया, राष्ट्रपति महोदय ने इस दिन अनुमोदन किया और इसने तारीख से भारत में लागू होगा, क्या ये सभी सत्य हैं, सभी सत्य हैं, मतलब समझिएगा 200 क्वेश्चन व्यर्थ है। मैं देखिए किसी भी टॉपिक के दोस्तों मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा ज़्यादा जो होंगे वो दोस्तों लगभग 70 से 80 भी समझ लीजिए, ठीक है, इससे, और दोस्तों कम से कम दोस्तों 35 से 40 क्वेश्चन एक टॉपिक से, ठीक है। मतलब मैं यही चाहूँगा दोस्तों कि देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट्स के साथ चलूँगा, ठीक है, एक चीज़ समझिए। और आप लोग कितना भी कहेंगे दोस्तों, मैं 20 से 25 क्वेश्चन से ज़्यादा एक में नहीं लाऊंगा, एक प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चन, अगर कोई दोस्तों जैसे टॉपिक बड़ा हो 2 दिन में कवर होगा, ठीक, इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ। बाकी आप सभी जैसा बताएंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। मैं सोच रहा हूँ दोस्तों जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होते हैं, जब तक कोई डेट नहीं आती है, तब तक मैं टॉपिक वाइज आपके ये चीज़ें करवा दूँ, टॉपिक वाइज करवा दूँ, और जैसे दोस्तों आपके एग्ज़ाम डेट आ जाएगी मैं फिर एक मिक्स करवाऊँगा, मिक्स प्रैक्टिस सेट करवाऊँगा। या फिर दोस्तों आप सभी कहें तो एक दिन मतलब वीक में देखिए 6 दिन तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज, और एक दिन दोस्तों जब संडे पड़ता ना, संडे को हम दोस्तों दोस्तों मिक्स करवा दिया करें, जीएस के जो 38 क्वेश्चन आते हैं वैसा पेपर के जैसा ही दोस्तों कोशिश करेंगे कि पेपर जैसा एक 38 क्वेश्चन वाला वो करवा दिया जाए आप सभी के लिए। तो जो भी चीज़ें आप बताइएगा, और साथियों एक चीज़ बता दूँ कि हमारी ई बुक है स्टैटिक जीके लेकर के, अगर आप सभी चाहते हैं, ठीक है, आप सभी चाहते हो दोस्तों इसको आप परचेज कर सकते हैं, मात्र 99 रुपीज़ में पूरे टॉपिक मिलेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो कैसे मिलेगा दोस्तों, ज्ञान आरबीएल ऐप पर जाकर के ले सकते हैं, या फिर दोस्तों इस नंबर पर आप 99 रुपीज़ पे करके फ़ोनपे गूगल पे पेटीएम करके स्क्रीनशॉट भेज के इसको ले सकते हैं। और दोस्तों आपको जाना होगा हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा दोस्तों, वहाँ हमने पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी के पढ़ाया हुआ है, ठीक है, लगभग समाप्त हो चुका है, तो जाकर के एक बार पढ़ लीजिए। आपको मैं यकीन दिला दूँ दोस्तों कि 15 से 16 क्वेश्चन आएंगे ना, तो उम्मीद है दोस्तों लगभग सारे क्वेश्चन दोस्तों इसी प्लेलिस्ट से आ जाए, देखिए उम्मीद है। देखिए मैं कभी भी किसी चीज़ को दोस्तों 100% नहीं कहता कि नहीं मेरे यहाँ से पढ़ लो पूरा फंसा दूंगा। पिछली बार बच्चे बोल रहे थे सर कितना फंसे, मैं बता था भैया देखिए मेहनत कर रहा हूँ मैं फंसाने गारंटी नहीं लेता, और यकीन मानिएगा कि लगभग लगभग दोस्तों हर एक क्वेश्चन दोस्तों जीके का हमारे इसी प्लेलिस्ट से आया था, ठीक है। चलिए और उसको तो अब इस बार अपडेटेड पढ़ा रहा हूँ। तो चलिए आप सभी बताइएगा दोस्तों कि कल क्या लेके आ जाए एक वीडियो जिस पर हम बात करें कि प्रैक्टिस सेट की, कब से हम प्रैक्टिस सेट लाएँ, और बहुत ही जल्द मेरा मन है दोस्तों कि 5 तारीख के पहले पहले ही प्रैक्टिस सेट आपकी शुरू कर दी जाए। तो जैसा भी आप सभी कमेंट होगा दोस्तों वैसा हम करेंगे, अगर आप सभी कहते हैं तो कल मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा,
फिर दोस्तों उसमें बता दूंगा कि कैसे कितने क्वेश्चन होंगे और किस किस टॉपिक से होंगे, तो वो चीज़ें मैं आप सभी के समक्ष जरूर लेकर आऊँगा। चलिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना दोस्तों प्यार जरूर बताइएगा, ठीक है, और हो सके तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लिया करिए, उसके पैसे नहीं लगते हैं साथियों, ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।